सर्वे नमो डॉक्टर लूनेश कुमार वर्मा व्याख्याता शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छछानपेरी जिला रायपुर मध्य व्याख्याता रूपेण अहम पदस्थोस्मे अद वह दशम्याम दशम्या ओदनम सूख प्यारे बच्चों आप सभी जानते हैं भारतीय साहित्य विश्व के प्राचीनतम साहित्य हैं और भारतीय साहित्यों की जब बात करते हैं तो इसमें वेदों की जो गणना है ये सर्वश्रेष्ठ गणना है और प्राचीनतम गणना है क्योंकि वेद जो है विश्व के प्राचीनतम साहित्य हैं वेदों में निहित ज्ञान विज्ञान से आज भी संपूर्ण जगत लाभान्वित हो रहा है आप सभी जानते हैं वेद जब हम कहते हैं तो वेदों में चार वेद हैं इनमें से ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम हैं तो चार वेद जो हैं वे हैं ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद तो इनमें से ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है और प्यारे बच्चों आज हम जिस पाठ की चर्चा करने जा रहे हैं उस पाठ का नाम है ओदनम सूक्तम और ओदनम सूक्तम यह जो पाठ लिया गया है वह अथर्व वेद से लिया गया है प्यारे बच्चों आप इस पाठ का शीर्षक देख रहे हैं ओदनम सूक्तम वेद में जितने मंत्र लिखे हुए हैं जितने सुंदर वचन कहे गए हैं इन्हें सूक्त के नाम से जाना जाता है वैदिक साहित्य जिनको कहते हैं इनमें जितने मंत्र हैं वे सभी सूक्त के नाम से जाने जाते हैं बाद के जो साहित्य हैं न्हें लौकिक साहित्य कहा जाता है लौकिक साहित्य में जो सुंदर वचन हैं उन्हें सुभाषित या सुक्ति के नाम से जाना जाता है तो आज हम जिस पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं वो वैदिक साहित्य से लिया गया है अथर्व वेद से लिया गया है प्रस्तुत सुक्त अथर्व वेद से लिया गया है प्यारे बच्चों आइए हम इस पाठ को पहले सुनते हैं नवम पाठनम सूक्तम् प्रस्तुत सूक्त अथर्ववेद से लिया गया है चावल पक जाने के बाद भात बनता है उसमें धान कूटने फटकने भूसा निकालने और उसे पकाने की कई प्रक्रियाएं होती हैं। इन सबका रूपक अलंकार की सहायता से वर्णन किया गया है यज्ञ करने वाले को इस भात के माध्यम से सभी लोक प्राप्त हो जाते हैं यह कहकर उसकी महिमा बताई गई है चक्षुरमुसलम का मलूखम दीती है दीती है सूर्प ग्राही वातो पावनिक अश्वाह कणा गावस्तंडुला वस्तंडुला मस्कास्तु सा इयमेव पृथिवी कु राध्यमानस्योदनस्य द्यौर्पिधानम् ऋतं हस्तावनेजनं कुल्योपसेचनम् ऋतवः पक्तार तस्योदनस्य बृहस्पतिः शिरोब्रह्ममुखम् द्यावापृथिवी श्रोत्रे सूर्या चन्द्रमसा प्राणापाना नज्ञवच प्यारे बच्चों अभी हमने ओदनम सूक्तम पाठ को सुना और अब आइए हम इस पाठ को अब समझने का प्रयास करते हैं प्यारे बच्चों इस पाठ को सुनने के बाद आइए अब हम इस पाठ को समझने का प्रयास करते हैं ओदनम सुख्तम इस पाठ में जितने सुक्त दिए हुए हैं वे सभी अथर्व वेद से लिए गए हैं ओदनम का अर्थ होता है भात तो भात किस तरह से बनता है किस तरह से पकता है पकाने में क्या क्या क्रियाएं होती हैं उसके विषय में इस पाठ में दिया गया है चावल पक जाने के बाद भात बनता है उसमें धान कूटने फटकने भूसा निकालने और उसे पकाने की अनेक क्रियाएं होती हैं जैसा कि आप सभी चित्र में देख भी पा रहे हैं कि किस तरह से धान को कूटा जाता है उसको फटका जाता है उससे भूसा निकाला जाता है फिर उस भूसे में से चावल कैसे निकाला जाता है और चावल को किस तरह से पकाया जाता है तो इस तरह से उस अनाज से भात बनने में अनेक प्रक्रियाएं होती हैं इन सबका रूपक अलंकार की सहायता से ओदनम सुक्तम इस पाठ में वर्णन किया गया है यज्ञ करने वाले को इस भात के माध्यम से सभी लोक प्राप्त हो जाते हैं यह कहकर उसकी महिमा बताई गई है तो आइए हम अध्ययन करते हैं ओदनम सुक्तम के अंतर्गत विभिन्न सुक्तों का सुक्त अर्थात विभिन्न मंत्रों का तो पहला सूक्त है चक्षुर मुसलम का मुलूख हम प्यारे बच्चों जैसे हम श्लोक की बात करते हैं या सुक्त की बात करते हैं सुक्तियों की बात करते हैं ये पद्य का रूप होता है और ये जो पद्य रूप होता है इसी का जो गद्य रूप होता है वह कहलाता है अन्वय अर्थात उसका अर्थ पद्य में पद्य की वाक्य संरचना अलग तरह की होती है और गद्य की वाक्य संरचना अलग तरह की होती है तो पद्यमय वाक्य रचना को गद्यमय करना यही अन्वय कहलाता है तो इस पाठ में जितने सुक्त दिए हुए हैं उन्होंने तो उन्हें तो हम पढ़ेंगे ही और साथ ही साथ उनका अन्वय अर्थात गद्य रूप क्या होगा उसका भी अध्ययन करेंगे आइए हम देखते हैं पहला सूक्त और उसका अन्वय मुसलम का मुलूखम यह सूक्त है इसका अन्वय होता है अन्वय जब करते हैं तो इसमें जो विभिन्न पद होते हैं गद्य की संरचना के अनुसार होना चाहिए एक और दूसरा जितने संधियुक्त पद होते हैं उन संधियुक्त पदों को भी हम अलग अलग कर लेते हैं जैसे आप इसमें देख रहे हैं मुसलम यह संधियुक्त पद है इसका संधि विच्छेद करें तो होगा धन मुसलम यहां पर विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ तो इसका इस सूक्त का मुसलम काम उलुखम का हम अन्वय करते हैं तब रूप होगा चक्षु मुसलम काम उलुखम चक्षु का मतलब होता है नेत्र और मुसल अर्थात जिससे धान कूटा जाता है आप जानते हैं इसका प्रयोग किया जाता है देखिए आप चित्र में देख भी पा रहे हैं इसको कहते हैं मुसल और इसी तरह से उनूखम कहा जाता है ओखली को अर्थात ओखली में धान को रखा जाता है देखिए चित्र में जिस तरह से रखा गया है और उसमें से फिर मूसल से उस धान को कूटा जाता है तो चक चक्षु मूसलम, चक्षु है मूसल अर्थात धान को कूटने का जो यंत्र है जो साधन है उसको कहा जाता है मूसल तो यह हमारा जो चक्षु है हमारा जो नेत्र है ये क्या है यही है मूसल और जो विभिन्न इच्छाएं हैं हम किसी चीज़ को देखते हैं उसके बाद हमारे मन में तरह तरह की इच्छाएं उत्पन्न होती हैं वो जो इच्छाएं हैं उसे ही कहा गया है उलूखम तो इच्छा है ओखली तो चक्षु है मुसल और इच्छा है ओखली इसी को लिखा गया है चक्षुर मुसलम काम उलूखम अगला सुक्त है दीति है, है सूर्प मदिति सूर्पग्राही वा तो पावनिक अब यह जो दूसरा सूक्त है इसका जो संधि पद है उनको अलग करते हैं विभिन्न पदों को अलग अलग करते हैं और साथ ही अन्वय करेंगे तो सूर्पम दिति सूर्पम धन अदिति है, है। यहाँ व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ वातो पावनिक वात धन अ पावनिक यहाँ पर संधि का प्रयोग हुआ है अब इसका अन्वय करते हैं है सूर्पम द्विति है सूर्पग्राही वातो पावनिक ये सूक्त है इसका अन्वय होगा सूर्पम द्विति सूर्पा सूर्पग्राही अद्विति है अपावनिक वात देखिए जब हम पद्य का या श्लोक का या सूक्त का या सुभाषिष का जब हम अन्वय करते हैं अर्थात पद्य का गद्य रूप करते हैं तब शब्दों का जो क्रम है उसमें भी हेर फेर होता है क्योंकि गद्य की संरचना पद्य की संरचना से भिन्न होती है तो यहाँ द्विति सूर्पम ये लिखा हुआ था अब इसको जब हम अन्वय करते हैं तो क्या हो जाता है सूरपम द्विति अर्थात सूर्प कहते हैं सूप को सूप अर्थात सूपा आप सभी जानते हैं ये चित्र में आप देख पा रहे हैं इसको कहा जाता है सूप या सूपा तो सूर्पम है सूप है दीति सूर्प ग्राही अदिति और सूप को पकड़ने वाली है अदिति अपानविक वात और भूसे से वातः कहा जाता है वायु को और अपानविक कहा जाता है भूसे से भूसे से चावल को अलग करना तो अपानविक वातः भूसे से चावल को अलग करने वाली वो है वातह हवा तो सूर्पम दीति है सूप है द्विती सूर्पग्राही है अदिति सूप को पकड़ने वाली है अदिति अपानविक वातः भूसे से चावल को अलग करने वाली है हवा प्यारे बच्चों यहाँ पर दीति और अदिति का उल्लेख आया है दीति और अति अदिति के संदर्भ में अनेक कथाएं प्रचलित हैं उनमें से एक कथा इस प्रकार है दक्ष प्रजापति की ये दोनों कन्या थी दीति और अदिति इन दोनों का विवाह कश्यप ऋषि के साथ हुआ कश्यप ऋषि के साथ इनका विवाह होने पर अदिति से इंद्र उत्पन्न हुए और दीति से हिरण्य कश्यप और हिरण्याक्ष उत्पन्न हुए भगवान विष्णु का इंद्र के प्रति विशेष प्रेम था इसलिए वे दीति के जो पुत्र थे हिरण्य कश्यप और हिरण्याक्ष इन्हें इनके साथ शत्रुता करते हैं और उन्हें वे मार डालते हैं इस बात से दीति दुखी होती है और वह तप करती है अपने पति को प्रसन्न करती है पति कश्यप उनके तप से प्रसन्न होते हैं और उन्हें वर मांगने के लिए कहते हैं तब वे कहते हैं दीति कहती है कि देव मुझे ऐसा वर दीजिए ऐसी संतान दीजिए जिससे मेरे पुत्र जिनके कारण मरे हैं अर्थात इंद्र के उनकी हत्या की जा सके उन्हें मारा जा सके उन्हें परास्त किया जा सके अब चूँकि ऋषि कश्यप उन्हें वचन दे चुके थे इसलिए वे अपनी बातों से पलट नहीं सकते थे तो उन्होंने कहा कि ठीक है वैसा ही होगा लेकिन एक शर्त है क्या शर्त है कि तुम्हें एक वर्ष तक विशेष तप का विशेष व्रत का पालन करना होगा जिस तरह से एक पतिव्रता स्त्री व्रत करती है वैसा तुमको एक वर्ष तक व्रत करना होगा दीति ने कहा कि स्वामी ऐसा करने के लिए मैं सदैव तत्पर हूँ और वो वैसा करती है अब जैसे ही दीति के गर्भ में संतान आ जाता है वैसे ही उसका चेहरा उसका जो मुख मुखमंडल है मुख आभा है वह आभा मंडित तो हो जाती है और चूँकि वह व्रत उपासना कर रही थी इस कारण से वह दिनों दिन कृषि होती गई दुर्बल होती गई और जैसे ही वह गर्भधारण की हुई थी उस समय अदिति को यह पता चलता है उसके मुख के तेज को देखती है वह सहम जाती है वह डर जाती है उसे लगता है कि अब दीति का जो पुत्र होगा वह मेरे पुत्र इंद्र को देवराज इंद्र को वह हानि पहुंचाएगा, उसकी हत्या वह कर सकता कर सकती है ऐसा करके वह उपाय करती है और किसी भी प्रकार से दीति का गर्भपात हो जाए ऐसा वह प्रयत्न करती है तो ऐसे ही बहुत समय बीत जाता है फिर अपने मन की बात को अदिति इंद्र को कहती है और इंद्र फिर एक दिन समय देखकर दीति जो व्रत उपासना करते करते कृष्ण काय हो गई थी दुर्बल हो गई थी उसके पास जाता है माता मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ आप बहुत दुर्बल हो गई हैं ऐसा करके उससे निवेदन करता है उसके मन में कुछ और था प्रकट में कुछ और था तो दीति इंद्र को वैसा करने के लिए सहमति दे देती है तो इंद्र उनकी सेवा करने लग जाता है तो सेवा करते करते दीति की निद्रा लग जाती है और इंद्र इस अवसर की तलाश में था जैसे ही देखता है कि माता दीति जो है निद्रा मग्न हो गई है वह सूक्ष्म रूप से उसके गर्भ में प्रवेश करके वज्रपात से वज्र के आघात से उसके वज उदरस्थ शिशु को वह नष्ट करना चाहता है लेकिन ऐसा करने पर वज्रपात करता है तब उसके उदर में जो शिशु था वो सात भागों में खंडित तो हो जाता है और रुदन करने लगता है तब इंद्र कहता है रुद अर्थात मत ऐसा कहने पर वे जो शिशु थे उदर में वे चुप हो जाते हैं और फिर और इंद्र जो है एक और वज्र का आघात करता है उससे वे सात जो खंडित थे वे शिशुगण पुनः सात सात खंडों में और विभक्त हो जाते हैं इस तरह से उन चार खंडों में वे शिशु जो है उदर में ही खंडित हो जाते हैं और फिर रोने लगते हैं इंद्र पुनः कहते हैं माँ रोद लेकिन अब वे चुप नहीं होते हैं और बाद में फिर यही जो उनचास दीति के जो पुत्र हुए वे सभी मारुद रुद इंद्र के कहे जाने के कारण से मरुदगण कहलाए जो बाद में फिर इंद्र के सेवक के रूप में प्रसिद्ध हुए तो प्यारे बच्चों यहाँ यह जो प्रसंग है इसमें कहा गया है कि सूरपम दीति दीति जो है वो क्या है सूप है सूपा है और सुपग्राही अदिति और अदिति जो है सुप को अर्थात उस सुपा को ग्रहण करने वाली है अर्थात दीति जो नेक कार्य कर रही थी अपने पति की उपासना की थी उसको ग्रहण लगाने का कार्य की थी कौन अदिति और अपानविक वात और भूसे से चावल को अलग करने वाली है हवा जिन्हें ही मरुदगण कहा गया चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सूक्त है अस्वाह कणा गावस्तुला मस्कास्तुसाह मस्का मावस्तुलाह गावह धन तंजुलाह इति गावस्तुलाह यहाँ पर विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है मस्कास्तुसाह मस्काह धन तुसाह मस्कास्तुसाह यहां यहाँ संधि का प्रयोग हुआ है आइए सूक्त का अन्वय करते हैं सुक्त है अश्वाह कणा गावस तंजुला मस्कास्तुषाह अन्वय करने पर इसका रूप बनता है कणा अश्वाह तंजुलाह गावह तुषा मसकाह अर्थात अश्व कहते हैं घोड़े को गावस तंजुलाह तंजुल कहते हैं चावल को चावल जो है वह गाय का रूप है और अश्वाह कणाह उसके जो चावल के जो कण हैं ये हैं अश्व के रूप अर्थात घोड़े के रूप हैं मस्कास तुसाह और भूसा है मच्छर के रूप मच्छर जो हैं इन्हें तुसाह अर्थात भूसा का रूप कहा गया है भूसा का रूप मच्छरों को क्यों कहा गया है उसमें कुछ समानता होती है क्या समानता होती है आप सभी देखते हैं आप सभी जानते हैं मच्छरों से पीड़ित तो होते हैं विशेषकर रात्रिकालीन अवस्था में मच्छर जो है प्रायः प्राणियों को कष्ट देते हैं वो आते हैं और शरीर में चुपके से बैठ जाते हैं चिपक जाते हैं और हमारे रक्त का शोषण करने लगते हैं उन्हें हमें बलात् भगाना पड़ता है उसके लिए तरह तरह के उपाय लोगों के द्वारा किया जाता है तो इसी तरह से जब धान से धान को अलग करने की जो प्रक्रियाएं होती हैं इसमें भूसा जो होता है वो उड़कर कपड़े में शरीर में कहीं पर भी चिपक जाता है किस तरह चिपक जाता है उसी तरह चिपक जाता है जिस तरह से मच्छर हमारे शरीर में चिपक जाते हैं उन्हें बरात हमें अलग करना होता है इसलिए तुसाह मस्काह कहा गया अर्थात भूसा को मच्छर का रूप कहा गया है